वो क्या सुनने में आ रहा है, कौन खरीद सकता है? यूनिवर्सल, कॉमकास्ट, यूनिवर्सल के साथ ही बात चल रही है उनकी। कॉमकास्ट वही ना, उन्हीं का तो है ना कॉम। अच्छा, यूनिवर्सल को ओन करता है कॉमकास्ट। यूनिवर्सल के पास हल्क भी है, नहीं शायद हल्क के साथ उनका वो हो गया ना खत्म डिज्नी का। ना। हाँ आई थिंक। हाँ आ गए थे ना हाँ हल्क हाँ सूट। अच्छा हाँ हल्क के सुन साथ। रहा, हाँ खत्म, टाइम हो गया उसको। तो वो अब क्या है कि यूनिवर्सल इज द वन हु ओन्स जुरासिक पार्क, यूनिवर्सल इज द वन हु ओन्स फास्ट एंड द फ्यूरियस। फ्यूरियस, तो अब देखो ये कहने सुनने वाली बातें हैं, लेकिन ये जो पूरी डील वील ये सब चीजें एक्चुअली होते करते विल सोनी भी तो टेकन। खरीद सकता है, मतलब उसके पास भी तो नहीं नहीं पैसा सोनी वोनी नहीं खरीदेगा, मेरे को लगता नहीं कि सोनी अब किसी बड़ी फ्रेंचाइजी में अपना हाथ फंसाने की कोशिश करेगा आफ्टर व्हाट दे हैव ऑन देयर हैंड्स ऑलरेडी। तो बाजार में, और कोई बचा नहीं है। फॉक्स तो छोड़ ही दिया, मूवी डिवीजन अपना तो फॉक्स तो खरीद डिज्नी के पास जा चुका है। नहीं, तो वो जो जो उनका न्यूज वाला नहीं डिवीजन, वो नहीं न्यूज पे फोकस वो करने के तो लिए छोड़ दिया था हाँ ना वो उन्होंने। एक्चुअली वैसे भी बहुत डेट में थे, तो वो हाँ, उनके पास इतना पैसा है भी नहीं। डिज्नी को खरीदने देंगे नहीं ना 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 लोग। डिज्नी को भाई नहीं डिज्नी खरीद खरीदने लिया थे तो खत्म ही हो गया ना भाई, वही। खत्म एक बाजार भाई। भाई उनकी एक्चुअली कोई है संस्था ऐसी कि मतलब हाँ मोनोपोली क्रिएट नहीं करने दे। एक हाँ जो वो है ट्रेड कमीशन कुछ तो है उनका, हाँ एक जो कॉम्पिटिटिव है द एफसीसी। ओनली वन जो बिग प्लेयर है जो इसको खरीद सकता है दैट इज एप्पल। लेकिन ओ एप्पल हाँ, बट वो ऑलरेडी नहीं, हैज देयर साइट्स ऑन डिज्नी, नहीं तो ये लेकिन है। अच्छा हाँ, एप्पल की बात सुनने में आ रही थी, वो डिज्नी खरीदने के चक्कर में। हाँ डिज्नी अपने आप को सजा रहा है एप्पल के लिए, तो ये चल रहा है इधर से दूसरी गेम उधर वो चल रही है। तो मेरे को नहीं लगता लेकिन कि ये सारी चीजें इतना इतना इजी नहीं होता ये सब कुछ। और एक बार क्या जैसे सुपरमैन लेगेसी हिट कर गई ना, मतलब क्योंकि सुपरमैन लेगेसी तब तक हिट कर जाएगी आई थिंक, ये अप्रैल से वो लाएगा मार्केट में कि आप खरीदो, फिर उनकी टेबल पे बातचीत होनी शुरू होगी और ये सब कुछ होगा, तो इट विल टेक टाइम आई थिंक। इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ होना। अरे वो क्या फॉक्स वाली डील को क्लोज होने में 1 साल लग गए थे, वही ज्यादा लग गया था, हाँ 1 साल से ज्यादा लग गया था। तो भाई एक साथ, क्योंकि ये होता है ना, नहीं सुनने में कहीं आया था कि अगर मार्क जकबर को भी अपनी कंपनी के सारे शेयर्स बेचने हो ना, तो एक दिन में नहीं बेच सकते हो। नहीं हाँ तो वो लिमिट होता है ना भाई। तुम अब तुम्हारे पास अगर 5% भी है, 5% बहुत होता है, तुम एक दिन में वो बेचोगे भाई, शेयर कितना गिरेगा मालूम है? तक कोलैप्स करने का भी डर रहता है तुमको कंपनी का। डिस्क्लोज करना पड़ता है भाई कि मैंने इतना बेचा, इतना खरीदा, बहुत रूल्स हैं वही उसके वही। शेयर्स के। और क्या है कि वो बहुत बड़ी डील हो जाएगी, बहुत बड़ी, तो ये इतना आसान 50 बिलियन है। का तो कर्जा है उनके ऊपर, हाँ तो वो इतना आसान एटलीस्ट है पच नहीं। 50 बिलियन के आस, 55 में कोई खरीद ले उनको। तो वो कोई बाकी मतलब एक चंदा लगाने वाला प्लान तो है ही अपने पास, ठीक है। खरीद ले बोलो लगाओ बताओ। करना शुरू कर दो अभी से सुपर चाटे। जेम्स गन को देंगे फ्री हैंड, ठीक है हाँ, भयानक वाला, जैक स्नाइडर को भी बुला लेंगे, जैक स्नाइडर को उठा करके एक अलग से उसका वो कराएंगे, एल्स वर्ल्ड। एल्स वर्ल्ड क्रिएट करवाएंगे। अरे ठीक वो है तो ठीक है, जिसको बारबी 2 चाहिए, बारबी 2 बनाएंगे, बारबी 2 तो वैसे ही बनवाएंगे, बारबी 3 बनाएंगे। बारबी मैं 3 भी आऊंगा बनवाएंगे, बारबी 2 में, ठीक है। और उनका 50 मिलियन का डेट तो यूं खत्म हो जाएगा। डीसीयू एक बार आने तो दो, और फिर तो प्रोजेक्टों की ऐसी लाइन लगेगी तुम देखना। लाइन लगेगी, मैन ऑफ कल्चर अनाउंस कर रहा है, ठीक है। बैठ रहे हम लोग पैनल में सबसे आगे तीनों, क्या चल रहा है फिर इधर, और फिर अब उन्हीं की पिक्चरों को रिव्यू भी कर रहे हैं हम, क्या हंगोड़ापंती कर रखी है यहाँ पे, मचा रखी है, ये जेम्स गन को बोला ऑडियंस है। ऑडियंस भी कमेंट बोलेंगे, चूतिया तू ही ने पास किया अरे था। पास किया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ भी बनाता चला जाएगा साला। कल ही पीछे के फोन पे बात हुई पॉडकास्ट में थी ऐसा पीछे से धीरे से गैल गैडोट चल के जाएगी, क्या कर रहे हो कि पीजे, पॉडकास्ट कर रहे हो गैल? यार तुम्हें तुमसे चाय पीने ही कितनी बार चलेंगे। बोला पीजे की पॉडकास्ट में पीछे से तो धुआं की आवाज आ रही, पीजे फिर ऐसे सिगार बजाता हुआ, यार कितनी बार बोला तुमको ऐसे आया मत करो यहां से, और ये अपना तौलिया उठा के जाओ गीला। आना दे आरमास तेरा, बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है, अभी थोड़ा पॉडकास्ट कर लेंगे।